Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher, and today I am going to teach you Hindi. आज मैं आपको हिंदी में अक्षरों को जोड़कर लिखना सिखाऊंगी. तो बच्चों, आज हम तीन अक्षर जोड़कर शब्द बनाएंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं. देखिए, ये आपके हिंदी की कॉपी है, इसमें लिखा हुआ है जोड़कर लिखिए. तो ये तीन अक्षर हैं, 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3 ये तीन अक्षर हैं. इन तीनों अक्षरों को हमें जोड़कर यहाँ पर लिखना है और फिर उसे पढ़ना है कि ये कौन सा शब्द बन गया. तो पहले देखिए कि क्या लिखा हुआ है. ख. तो पहले हम यहाँ ख लिखेंगे. बिल्कुल लाइन में ही लिखना है बच्चों. अब ये प्लस का साइन हम नहीं लगाएंगे. अब ये र है, सिर्फ अक्षरों को ही लिखना है. अब र लिखेंगे हम यहाँ र. अब ये ल, इसके पीछे हम यहाँ ल लिखेंगे ल. अब पढ़ेंगे हम इसे क्या लिखा हुआ है. ख र ल, खरल, खरल. तो ये क्या बन गया, खरल. अब नेक्स्ट देखिए, ये है न. तो पहले हम यहाँ न लिखेंगे य. अब ये न है, अब हम यहाँ फिर से न लिखेंगे. अब हम इसे पढ़ते हैं, न य न, न य न, न य न, नयन. ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, नयन. न य न, नयन. नयन का मतलब क्या होता है, आँखें. जैसे आपकी सुंदर सुंदर आँखें हैं तो क्या कहेंगे हम आँख को, नयन. अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ह. तो हम यहाँ ह लिखेंगे. अब ये है व, तो हम यहाँ व लिखेंगे. अब ये है न, तो हम यहाँ न लिखेंगे. तो बन गया ह व न. तो ये क्या बन गया, फिर से पढ़ते हैं, ह व न, ह व न. अब थोड़ा हम इनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे एक साथ, हवन हवन. क्या बन गया, हवन. घर में जब पूजा होती है तो हवन कराते हैं हम, तो ये है हवन, हवन हवन. अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फ. हम यहाँ फ लिखेंगे. अब ये है स, तो हम यहाँ स लिखते हैं. ये है ल, तो यहाँ हमने ल बना दिया. अब हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे, फ स ल, फसल फसल. ये क्या बन गया, फसल. फसल किसे कहते हैं बच्चों, किसान खेत में जो अनाज उगाता है उसे फसल कहते हैं. अब देखो ये क्या है, न. तो पहले हम न लिखते हैं. ये है म, तो हम यहाँ म लिखेंगे. ये है क, अब यहाँ क लिखेंगे. अब हम इनको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, न म क. अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, न म क, न म क, नमक. क्या है ये, नमक. नमक क्या होता है, ये तो आपको मालूम होगा, मम्मी जो सब्जी में नमक डालती हैं.
अगर मम्मी सब्जी में नमक नहीं डालेंगी तो सब्जी कैसी लगेगी? फीकी फीकी। तो ये है नमक। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, भ। तुम यहाँ पहले भ लिखेंगे, भ। ये है ज, ज और ये न, मिलाकर पढ़ेंगे भ ज न। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, भजन भजन भजन। ये है भजन। भजन का मतलब जो हम भगवान के गीत गाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, ये सब क्या होते हैं? भजन। भगवान के सॉन्ग होते हैं, भगवान के गाने, तो वो होते हैं भजन। अब देखो ये क्या है यहाँ पर, ये है प। तो पहले हम यहाँ प बनाएंगे। अब ये है ल, तो ल बनाएंगे। ये क, हमने क बना दिया। अब मिलाकर हम इसे पढ़ेंगे, प ल क। फिर से पढ़ेंगे आप जल्दी जल्दी, प ल क, पलक पलक पलक। क्या बन गया? पलक। पलक किसे कहते हैं? आपकी आंखें हैं, आंख के ऊपर क्या है आपका, जो कभी खुलता है फिर बंद होता है बार बार, ये होता है पलक। ये है पलक। देखो नीचे ही क्या लिखा हुआ है, र। पहले हम यहाँ र लिखेंगे। अब ये है ब, तो ब लिखेंगे हम यहाँ। ये ड, बन गया रबड़। रबड़। रबड़ क्या होता है? रबड़ एक आपकी मिटाने वाली होती है, जो आप कॉपी में मिटाते हो जब कोई मिस्टेक हो जाती है, वो होती है रबड़। और एक जो हम किसी सामान में रबड़ लगा देते हैं, वो वाली रबड़। तो ये है रबड़। तो आज आपने क्या सीखा? तीन अक्षर वाले शब्दों को जोड़कर लिखना और पढ़ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये तीन अक्षर वाले शब्दों को जोड़कर लिखना है और इनको पढ़ना है। तो इस तरह से आप इनको प्रैक्टिस करेंगे घर पर, अपनी मम्मी के साथ बैठेंगे और लिखेंगे और पढ़कर सुनाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।